दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपूर्ण रामायण के बालकांड भाग 10 गंगा जन्म की कथा 1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संपूर्ण रामायण के बालकांड भाग 10 गंगा जन्म की कथा 1। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सगर की पटरानी का नाम केशिनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केशिनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरिष्टनेमी की कन्या थी। महाराज सगर अपनी दोनों रानियों को लेकर हिमालय के प्रभु प्रस्तवन नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, उसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगिनी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केशिनी ने असमंज नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ में एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। कालचक्र व्यतीत हो गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमझ बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंक कर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमझ के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेघ यज्ञ कराने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा सुनाइए। तो राम के इस प्रकार से जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरितिमा युक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ का मंडप निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला, तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में ना छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोजना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमि तल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते पाताल तक जा पहुँचे। उनके इस नशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला, तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। क्रूर सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कपिल देव तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की
समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण के बालकांड भाग 10 गंगा जन की कथा 1। और इसकी अगली वीडियो संपूर्ण रामायण के भाग 11 बालकांड गंगा जन की कथा 2 कल की वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।